अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर मैम शफ़क। आज हम उर्दू की कॉपी का काम करेंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 13 यानी सफ़ा नंबर 13। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख़ लिखते हैं। और तारीख़ कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर। ठीक है, तो तारीख़ लिखते हैं, आज क्या तारीख़ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे तारीख़ लिखते हैं, क्या तारीख़ है, 22 यानी कि 22.7.2020, इस तरीके से डेट लिख ली। उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे लिखाई, लाम काफ ले काफ अलिफ का हमज़ा छोटी है ई, लिखाई। लिखाई हमने किस चीज़ करनी है, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है नून वाउनो शीन रेशर रे अलिफरा शरा रे तेरा ते छोटी ती शरारती नो शरारती हरूफ नो शरारती हरूफ नो शरारती हरूफ। ये देखें ये लिखे हैं अलिफ दाल डाल दाल रे अड़े जे से वाओ। ठीक है, ये कितने, ये देखो ये गिनती भी लिखी हुई है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कितने हैं, 9 शरारती हरूफ हैं। 9, अच्छा इनका नाम शरारती हरूफ क्यों रखा गया, वो इसलिए ये जो हरूफ हैं वो अपने से पहले वाले अल्फाज के साथ जुड़ते हैं लेकिन अपने से बाद वाले अल्फाज के साथ नहीं जुड़ते। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पर ये नून वाव नो, ये देखो यहाँ पे वाव है ना, अब ये वाव आगे शीन के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ लेकिन ये नून के साथ जुड़ा हुआ है ना। चलें अब ये लिखना स्टार्ट करते हैं, अलेफ लाइन के साथ टच करके, यहाँ पे भी अलेफ लाइन के साथ टच करके, दाल लाइन के साथ टच करके, यहाँ पे भी दाल लाइन के साथ टच करके, उसके बाद दाल लाइन के साथ टच करके और छोटी तो हैं दाल जाल जाल रे ऐसे और फिर ऐसे रे रे, उसके बाद अड़े छोटी तो हैं और यहाँ पे भी अड़े छोटी तो हैं, जे जे से से के ऊपर तीन नुक्ते से के ऊपर तीन नुक्ते, वाओ वाओ। ठीक है, इस तरीके से काम हो गया ये वाला। उसके बाद अच्छा ये वाला काम करने के बाद आपने क्या करना है, ये देखें ये वाला काम भी करना है। ठीक है, पेज नंबर 14 यानी कि सफ़ा नंबर 14, ये वाला आप पेज क्या करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, यानी ये दोनों पेजेस आपने करने हैं। अगर आप इस पे आप काम करेंगे जैसे मैं करवाऊँगी, और फिर जो ये वाला दूसरा पेज है पेज सफ़ा नंबर 4, इस पर आप क्या करेंगे, अच्छे से इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से लिखना आ जाए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।